हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगद बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु अंगद कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। आखिर कौन सा संशय था उन्हें? दोस्तों आइए जानते हैं। बाली के पुत्र अंगद और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्राय अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरु जी के पास जाता था और अंगद जी की शिकायत करता था। एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुम्हारे हाथ उठा तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी को जाने को कहा और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि बड़ा सा बानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह जानता था कि बानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही हैं, जो सौ योजन का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो ना हो अंगद ही होगा। अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसकी बड़ी सरलता से वध कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस बंदर को मारना नहीं, बंदी बना कर लाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा बानर इतना बलशाली है। हनुमान जी जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा तब तक अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके। दोस्तों ये थी अंगद से जुड़ा हुआ कुछ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।